ट्यूबेक्टोमी यानी कि महिला नसबंदी क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन गर्भ निरोधक का जो एक दूसरा तरीका है सर्जिकल मेथड, इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसमें होता क्या है, पहले ये जानेंगे कि कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स गर्भ निरोधक है क्या, दैट मीन्स इस पर और एक को मिलने नहीं देना है, क्योंकि इस पर और एक जब मिलेंगे तो यहां से बनेगा जायगॉट, दैट मीन्स फर्टिलाइज एग। तो किसी भी तरह से स्पर्म को एक से मिलने नहीं देना है। तो एक मेथड जो ट्यूबेक्टोमी है, इसमें क्या होगा कि ये जो एग यहां से रिलीज होगा, इस एग को क्योंकि ये इस ओवेट ये जो ट्यूब है जिसको कहते हैं ओविडक, यहां से ये ट्रेवल करना शुरू होगा, और यदि स्पर्म किसी तरह से यहां पे पहुंच जाए तो फिर फर्टिलाइज होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो इसे रोकने के लिए क्या किया जाता है, सर्जिकल मेथड में इस ट्यूब पे एक कट मार्क किया जाता है और इसके बाद इसे फोल्ड कर दिया जाता है दोनों ही साइड पे। दोनों ही साइड पे क्या होगा, इसको फोल्ड कर दिया जाएगा। अब ये काम सिर्फ एक तरफ नहीं, दोनों ही ट्यूब में होता है। यहां भी इसे कट करके इसे थोड़ा सा फोल्ड कर दिया जाता है, और ताकि एक यदि यहां से बाहर निकले तो इसी ट्यूब के अंदर ही फंसा रह जाए। साथ ही साथ क्या होगा, जब स्पर्म का एंट्री होगा यहां पे इस वजीना के थ्रू से, जब स्पर्म पहुंचेंगे तो क्योंकि ये इधर भी मूव कर सकता है, लेकिन अब इसके बाद आगे वो नहीं जा सकते हैं। ये हो सकता है कि स्पर्म जो है वो इस ट्यूब में भी मूव कर जाए, तो इधर भी वो नहीं आ सकते हैं। तो ट्यूबेक्टोमी क्या प्रोसेस है, महिला नसबंदी क्या होता है, जिसमें ट्यूब जो जिसमें से अंडा जो एग जो है वो ट्रेवल करता है, उस ट्यूब पे कट करके उसको फोल्ड कर दिया जाता है, और ये जो है वो एक परमानेंट होता है, क्योंकि इसके बाद आगे गर्भ धारण करने का कोई चांस नहीं बनता है। तो सबसे सेफ्टी जो है वो ये मेथड होता है।